मेरे जी, क्या कहना है आपका इन पूरे आरोपों पर? आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने। बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई अपनी आंखों देखे किसी भी मामले में किसी का नाम लेना ठीक नहीं। इस तरीके से हत्या हुई कहा जा रहा है कि अभय चौटाला ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पॉलिटिकल मर्डर है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। ये तो प्रशासन का काम है और प्रशासन इसमें लगा हुआ है। कहने की मेरा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि आप हर विषय में जो भी कोई उनके साथ विवाद होता था सबसे अग्रणी भूमिका आपकी। आपसे पुलिस ने कोई पूछताछ की इस संदर्भ में जब से नाम आया? नहीं, मेरे पास एसपी साहब का फोन आया था कि ये क्या मामला है। मैं कहा जी मामला आप देखो, आपका काम प्रशासन का काम है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना, मेरे परिवार का कोई लेना देना, मेरा इसमें झूठा नाम दिया गया है। इस परिवार को गलतफहमी है और उस गलतफहमी के कारण भाई मेरे साथ भी कल न कोई और दुर्घटना हो सकती है और मेरा भी परिवार है, तो मैंने अपने परिवार की और अपनी सरकार से सुरक्षा की डिमांड करी है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की गई। जगन्नय हत्याकांड बहादुरगढ़ में हुआ, पूरे बहादुरगढ़ में शोक की लहर भी है। इस पूरे हत्याकांड में सबसे पहला नाम जिनका आया वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक हैं। उनके साथ और भी नाम हैं लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस वक्त नरेश कौशिक जो है मीडिया के सामने आए हैं। सीधा नरेश कौशिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं, क्या उनसे कोई पुलिस की पूछताछ हुई है या उन आरोपों पर उनका क्या कहना है? नरेश जी, क्या कहना है आपका इन पूरे आरोपों पर? आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने का। देखिए, ये बड़ी दुखदायी घटना है और जिस तरह से इन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष और दो बार लगातार बहादुर हल्के के विधायक रहे नभे सिंह राठी की जो निर्मम हत्या हुई, ये बहुत ही गलत है। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसकी पूरी निंदा करता हूं और मेरी संवेदना, मेरे परिवार की संवेदना उस परिवार के साथ है कि किसी का भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको दुख होता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि भाई चलो, परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई अपनी आँखों देखे किसी भी मामले में किसी का नाम लेना ठीक नहीं। मेरे इस परिवार से कभी भी कोई द्वेष भावना नहीं रही, मेरा इस परिवार के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं। हाँ, हम सरकार के अंदर बैठे हैं और भाई वे विपक्ष में हैं, वो अपना विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम अपनी सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। बाकी हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं। हमने तो प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि भी इसकी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि शहर के लोगों को भी और इस परिवार को भी ये पता चले कि भी हाँ, सरकार ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना निष्पक्ष भाव से काम किया है। तो मेरी प्रशासन से पूरी उम्मीद। इस तरीके से हत्या हुई कहा यह जा रहा है कि अभय चौटाला ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पॉलिटिकल मर्डर है, आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। ये तो प्रशासन का काम है और प्रशासन इसमें लगा हुआ है। पूरी हरियाणा पुलिस, समय भी अखबार में आपकी तरह, जैसे आप लोग अखबार में पढ़ते हो, हम भी अखबार में पढ़ते हैं, तो पूरी प्रशासन, पूरी दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है। सरकार ने SIT गठित कर दी है और STF भी लगी हुई है। तो जल्द ही इस मामले का भेद खुलना चाहिए और भेद खुलने के बाद, क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं उससे पूरा वातावरण खराब होता है और शहर के लोगों में भी एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो ये ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आज नफे सिंह राठी के साथ हुआ, कल न किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और बिल्कुल उनको सख्त से सख्त सजा मिले जो भी लोग दोषी। आप कहने कि मेरा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि आप हर विषय में जो भी कोई उनके साथ विवाद होता था सबसे अग्रणी भूमिका आपकी होती है। देखिए, परिवार कुछ भी कहे, मैंने वो आपको बताया है कि नफे सिंह राठी विपक्ष के नेता, हम सरकार पक्ष के नेता हैं।
हमारे पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आता है तो हमें उसकी बात सुननी पड़ती है, और हमें सिर्फ इस बात के लिए किसी की मदद करते हैं भाई सरकार निष्पक्ष जांच करे और अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये तो प्रशासन का काम है, ये हमारा काम थोड़ी है। हमारा तो इतना ही तो काम है भाई सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। अब तो जांच सीबीआई से होने वाली है। हाँ, जांच सीबीआई से होने वाली है। माननीय गृह मंत्री जी ने ये आश्वासन भी दिया है कि भी हम जो है परिवार और विपक्ष जब इस बात को कहता तो हमें कोई एतराज नहीं, हम सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार। क्या आपसे पुलिस ने कोई पूछताछ की इस संदर्भ में जब से नाम आया? नहीं, मेरे पास एसपी साहब का फोन आया था कि ये क्या मामला है। मैं कहा जी मामला आप देखो, आपका काम प्रशासन का काम है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक, ना मेरे परिवार का कोई लेना देना। मेरा इसमें झूठा नाम लिया गया है, एक राजनीतिक मेरा कैरियर खराब करने के लिए राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए मेरा नाम इसमें जोड़ा गया है, बाकी मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। शामिल पूछताछ नहीं किया गया, कोई टीम नहीं आई? जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है तो मैंने अपना बयान दे दिया उनको, एसपी साहब को, कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, जो पूछना चाहेगा हम उसका जवाब देंगे। कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते हैं जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है। कानून व्यवस्था के सवाल तो उठेंगे, और जो सरकार में होता है उसके भाई थोड़ा और ज़्यादा लोगों को ये होता है कि भाई सरकार हमारी, बाकी पहले की सरकारों में जिस तरह का माहौल था, अब 2004 से लग जाओ और आज 2024 जिस तरह का मनोहर लाल जी ने वातावरण को ठीक किया है, तो लेकिन फिर भी मैं इस बात को लेकर बड़ा दुखी हूँ कि ये घटना हुई, दुर्घटना जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह का किसी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इससे सामाजिक भाईचारा, सामाजिक ताना बाना खराब होता है और सामाजिक एक माहौल भी खराब होता है, उसमें चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे भाई दुकानदार हो, हर एक आदमी भयभीत होता है। तो इसका जल्द से जल्द खुलासा हो और सख्त से सख्त सजा मिले। नफीस सिंह राठी से आपके संबंधों की अगर बात करें तो आप उनके साथ भी रहे हैं, राजनीतिक शुरुआत हुई होगी उस इन दिनों में, और अब अगर बात करें तो इन दिनों राजनीतिक रूप से आप लोगों के क्या संबंध थे और सामाजिक संबंध क्या थे? क्या आखिरी दिन आपसे बात हुई थी? देखिए, ब्याह शादी में आना जाना, हमारा कोई फंक्शन होता था वो हमारे यहाँ भी आते थे, और उसके लड़के की शादी हुई तो मैं भी गया, तो ब्याह शादी में भी आना जाना था, बोल चाल भी थी, कहीं किसी फंक्शन में मिलते थे वहाँ भी बोल चाल थी, रामा किशनी थी हमारी, तो भाई मेरे से दोनों बड़े हैं, राजेंद्र अर्जुन भी, नफीस सिंह राठी भी, अपना फर्ज है, मैं छोटा हूँ उनसे, मैं दागे तो राम राम कराया करता, राम राम भाई साहब, राम राम, और ठीक हो? ठीक है जी, इतनी बात है अपनी, और की और कोई बात नहीं। पुलिस सुरक्षा दी गई आपको, बता रहे हैं कि जब से ये वारदात हुई है आप लोगों के नाम FIR में है, तब से आप लोगों की पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है पीड़ित परिवार के लिए? देखिए, पीड़ित परिवार का मुझे पता नहीं उनकी सुरक्षा बढ़ाई नहीं बढ़ाई, मैंने अपनी मांग जरूर की, मैंने अपनी मांग इसलिए की है कि भाई उस परिवार को गलतफहमी है, और उस गलतफहमी के कारण भाई मेरे साथ भी कल न कोई और दुर्घटना हो सकती है, और मेरा भी परिवार है, तो मैंने अपने परिवार की और अपनी सरकार से सुरक्षा की डिमांड करी है, और मैं जो चाहता भी हूँ कि भाई मेरी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि कल को इस तरह का दोबारा कोई हादसा ना बने इसलिए, और मैं तो ये कहता हूँ उनको भी सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरह का एक कांड हुआ है आगे कोई उनके साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो तो उस परिवार को भी सुरक्षा देनी चाहिए, मेरा ये मानना। आपके साथ और जितने आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? कोई किसी से बातचीत नहीं है, ना मुझे मेरी कोई मुलाकात है, मैं इस मामले में कोई वो नहीं। हत्याकांड के बाद लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, आप पर भी सवाल उठे, तो क्या सरकार के स्तर पर आपसे किसी मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने बातचीत की? देखिए, मैंने तो उसमें वो देखा था, टीवी पे चल रहा था विधानसभा का सेशन, तो उसमें माननीय गृह मंत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और बहुत अच्छी बात कही कि भी हम अगर विपक्ष चाहता है और परिवार चाहता है तो हम CBI जांच कराने के लिए तैयार हैं। निजी तौर पर आपने पार्टी को अपना पक्ष बताया? हाँ, मैंने भी ये बात कही है, हमने प्रशासन को भी ये बात कही, भाई जल्दी से जल्दी इसका जो है निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को करड़ी से करड़ी सजा। नायब सैनी से बात हुई? नायब सैनी जी से फोन पे बात हुई, तो वो यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन उस दिन फिर ये जैसे ही दुर्घटना हुई तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। लेकिन नरेश कौशिक का साफ तौर पर यही कहना है कि उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, और जो उनका नाम सामने लाया गया है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते हो सकता है या परिवार को कोई गलतफहमी हुई है,
नरेश कौशिक तो खुद चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करे और जल्द ही जो आरोपी हैं वो सबके सामने आ सके। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।